नागपुर के गद्दीगोदम चौक से पावर हाउस MSAB लिंक रोड सदर गार्डलाइन में हमेशा पानी बहता रहता है। इस पर नागपुर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने खास ध्यान देना चाहिए। इसके लिए नागपुर के बहुजन समाज पार्टी के नागपुर शहर अध्यक्ष प्रकाश गजभिये ने मनपा को आवेदन सौंपा। मैं प्रकाश गजभिये, बहुजन समाज पार्टी का माजी नागपुर शहर अध्यक्ष। आज हम लोग यहाँ पर महापौर से मिलने के लिए आए। हमारे गड्डी गोदाम से तो जो लिंक रोड जा रहा है सदर तलक के, वहाँ की समस्या को लेकर आए थे। यहाँ पर वहाँ पर पिछले 2 सालों से पानी का बहाव इतना ज़्यादा आ रहा है, नाले का है, गटर का है, दोनों आ रहा है। और वहाँ पे नागरिकों इतनी तकलीफें हो रही है कि वहाँ से आना जाना मुश्किल। तो क्या वहाँ पर साथ भी आ रहे हैं, लोगों को जान को धोखा है। और ये प्रॉब्लम मालूम है कि पिछले अभी 15 दिनों से है, और 15 दिनों से होने के बाद में ये तो अभी सिर्फ जो बरसात है उसकी शुरुआत है। अगर शुरुआत में अगर ऐसा ये आलम रहा तो ये सोचो कि अगर भारी वर्षा अगर हुई अपने, तो सोचो कि वहाँ पर क्या हाल होंगे। वहाँ से तो बिल्कुल यानी गाड़ियाँ क्या, लोगों का आना जाना मुश्किल हो जाएगा। आज महापौर के कैबिन में आए, क्या बोले महापौर? महापौर ने बोले है कि भैया आपकी समस्या को हम ध्यान रखेंगे, और हम कल आने वाले हैं 10 बजे शुक्रवार को, तो हम वहाँ पर देखेंगे कि क्या समस्या है आखिर में। और वहाँ के एक्चुअली मालूम है कि जो मंगलवारी झोन के अधिकारी है वो इस बात को बिल्कुल न करते कि भैया यहाँ का काम हो ही नहीं सकता करके, उनको बोल बोल के हम लोग परेशान हो गए कि भैया आके देखो कुछ तो भी करो करके। उन्होंने बिल्कुल इस बात को बिल्कुल साफ तौर से मना कर दिया कि भैया ये काम नहीं हो सकता करके। अब क्यों नहीं हो सकता यही हम समझ में नहीं आ रहा है। और वहाँ के अधिकारी इतने हिकड़ है कि बिल्कुल सुनने को खाली नहीं रहते। जितेंद्र घुड़ेस्वार, बहुजन समाज पार्टी मनपा गठन नेता पक्ष नेता, हमारे नागपुर शहर के पूर्व शहराध्यक्ष प्रकाश जी गजभिये एवं गड्डीगोदाम के सभी नागरिक अपनी समस्याओं के लेके महानगर पालिका में हमारे कक्ष में आए, और हमने ये कमिश्नर को या महापौर को निवेदन देकर उनको अवगत कराने के दृष्टिकोण से कि पिछले अनेक सालों से वो समस्या है, या कैपेजोन होटल है वो वहाँ से लिंक रोड तक जो सीवरेज लाइन है, वो सीवरेज लाइन का पानी रोड पे बहता है, वहाँ से वाटर लाइन भी है तो वाटर लाइन में भी दूषित पानी आता है, इसलिए नागरिकों के जान माल को खतरा हो चुका है। और रोड पे इतना मतलब मलबा सचा हुआ है, तो पिछले 15 दिनों से हम भी आते जाते देखते हैं। हम जानते थे कि हमने वहाँ के जोनल अधिकारी को फ़ोन किया, वहाँ के सम्माननीय नगर सेवकों ने भी फ़ोन किया, लेकिन वहाँ के अधिकारी ने और समस्या को सुलझाने की कोशिश नहीं की है। इसलिए यहाँ के नागरिक लोग हमारे प्रकाश जी गजभिये पूर्व बसपा शहर अध्यक्ष के नेतृत्व में मनपा में आकर महापौर को निवेदन दिया, और महापौर को हमने तत्काल किया कि वहाँ का दौरा करें। कल उन्होंने दौरा करने का हमें 10 बजे का समय दिया है सारे अधिकारियों की टीम के साथ में। लोकल वहाँ पर जो समस्या है वैसा गड्डी गोदाम में नहीं तो नागपुर शहर में समस्या का अंबार लगा है। पिछले 2 साल से कोरोना पेंडेमिक पीरियड में मनपा में निधि नहीं है कर हमें ये सरकार और यहाँ के नागरिकों को मतलब गुमराह करने का काम कर रही है। मगर मनपा में निधि भी है, आय भी है, सारी चीज़ें, बावजूद काम करने की इच्छा शक्ति नहीं है। इसलिए प्रशासन के ऊपर इनका दबाव नहीं है, और प्रशासन एक एक जगह पे यानी एक व्यक्ति को दो दो प्रभार दिए गए हैं। काम का बोझ इतना महानगर पालिका में अधिकारियों को बढ़ चुका है, अधिकारी स्पॉट पर जाके इंक्वायरी नहीं करते और ध्यानपूर्वक काम न करने के कारण ये समस्या का अंबार बढ़ते जा रहा है। कल महापौर जी ने हमें आश्वस्त किया है कि कल आकर हम उस समस्या को सुलझाने की कोशिश करेंगे। निश्चित रूप से मैं अपेक्षा करता हूँ कि महापौर जी के नेतृत्व में अगर वहाँ पर आकर सारे अधिकारी कर्मचारी अगर आते हैं तो समस्या को सुलझा लिया जाएगा। यही आज के ये सभी गड्डीगोदाम के नागरिकों के सामने मैं समस्या ये बात कहना चाहूँगा। जय भीम, जय भारत।